हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको बिना देर किए हुए आपको बताती हूँ कि पिज़्ज़ा कैसे बनाना है। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिज़्ज़ा बेस का ज़रूरत होगा, जो कि आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। और अब आपको पिज़्ज़ा बेस एक कोई अच्छी से प्लेट में रखना है। मैंने इसको रख लिया है। और अब आपको इसमें ऐड करना है केचप। तो ये मैंने यहाँ पे किसान फ्रेश टमाटो केचप का यूज़ कर रही हूँ मैं, और अब मैं इसको इसमें लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको टमाटो केचप इतना लगाना है, इसमें गिरा दिया मैंने इसमें। और अब आपको इसमें इसको स्प्रेड करना है कुछ इस तरीके से। अच्छी तरीके से स्प्रेड करेंगे। तो केचप स्प्रेड करने के बाद हमें इसमें सॉल्ट ऐड करना है, यानी कि नमक। तो जो नमक होगा फ्रेंड्स, वो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें नमक ऐड कर लिया और मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे। मैं यहाँ पे स्प्रेड अच्छे तरीके से कर ली हूँ। उसके बाद जितना भी वेजिटेबल्स आपके पास होगा, फॉर एग्जाम्पल कैबेज, कॉर्न और शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, वो सब आप अपने पिज्ज़ा में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैबेज का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ कैबेज का। सारे तरीके से हम करें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ओनियन। ओनियन यानी कि प्याज। तो प्याज मेरे पास थोड़ा सा कटा हुआ है, और आपको जिस तरीके से आप सब्जी काटते हैं उस तरीके से नहीं काटना है इसको। आपको इस बिल्कुल गोल आकार में काटना है, जस्ट लाइक दिस। इस शेप में आपको यहाँ पे यूज़ करना है ओनियन का, और आपको इसमें स्प्रेड करना है सारे तरीके सारी तरफ से। तो मैंने यहाँ पे ओनियन ऐड कर लिया। और अब हमारे पास कुछ कॉर्न बाकी है यहाँ पे, तो मैं कॉर्न यहाँ पे ऐड करती हूँ। कॉर्न यानी कि ये जो भुट्टा आपको मार्केट में ऐसा मिलता है, वो आपको ऐड करना है इसमें। तो मैं इसमें भुट्टा ऐड करती हूँ। तो भुट्टा ऐड करने के बाद आपको इसमें कैप्सिकम ऐड करना है। कैप्सिकम बहुत बालों के लिए अच्छा होता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, तो इसमें हम कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कैप्सिकम भी ऐड कर लिया है। और अब इसमें पिज़्ज़ा का मेन हीरो को ऐड करना है, जिसके बिना तो मूवी अधूरा है। तो वो है हमारा मोज़रेला चीज़, जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ से आप पिज़्ज़ा बेस खरीदेंगे ना, वहाँ से आप ज़रूर पता कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये चीज़ ज़रूर मिल जाएगा। तो हमें चीज़ ऐड करना है। तो ये रहा हमारा चीज़, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। अब हमें इसे कट करके पिज़्ज़ा में ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, हमने पिज़्ज़ा में सारा इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर लिया है, और अब हम इसे तंदूरी ओवन में पकने के लिए डाल देंगे। तो चलिए, तो ये एक पिज़्ज़ा मैं इसमें ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो ये भी इसमें आप पक रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा अंदर पक रहा है। फिर मैं इसको डालूँगी। तो पिज़्ज़ा पकने पे बहुत टेस्टी लगता है, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पिज़्ज़ा हमारा पक चुका है। ये एक मिनट शायद और पकेगा। तो इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर तैयार करें, और पसंद आएगा तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।